हाँ तो मेरे किसान भाइयों, पेट्स आइकॉन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी फार्म पे। अगर आप किसान भाई हैं तो आप डेयरी फार्म को कैसे स्टार्ट करें, यानी कैसे उसका इनिशियल स्टेज हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे किसान भाइयों, यानी कि सबसे पहले किसान भाइयों, आपको डेयरी फार्म से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए आपको, तो आप मेरे चैनल पे आइए और विजिट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो डेयरी फार्म मैक्सिमम लोग करते हैं, तो डेयरी फार्म करने के पीछे उद्देश्य यही है कि अपने घर पे ही रह के वो बिजनेस आप ऑपरेट कर सकते हैं, यानी चला सकते हैं उस बिजनेस को। तो अगर आप छोटे से स्पेस में, छोटे से जगह में अगर आप उस बिजनेस को चलाना चाह रहे हैं, डेयरी फार्म चलाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इफर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे एनिमल्स लवर एंड किसान भाइयों, डेयरी ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें जगह की ज़रूरत पड़ती है, एरिया की ज़रूरत पड़ती है, और उस एरिया पे आपका वाटर सप्लाई है या नहीं है, और वाटर सप्लाई के साथ साथ आपका बाउंड्री वॉल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों और मेरे एनिमल्स लवर्स, क्योंकि ये हमारा रोजी रोटी है। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है मेरे वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना और उसे फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ें उसे डेयरी फार्म पे होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होता है कि डेयरी फार्म पे आपको 4 या 5 जानवर्स होने चाहिए, कम से कम आपको 2 गाय और 3 भैंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कॉम्बिनेशन आपका बना रहेगा तो आप धीरे धीरे डेवलप करेंगे, सिचुएशन आएगी, कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, बस उस परेशानी से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप घबराएंगे कि ये तो हो ही नहीं पा रहा है, लॉस हो रहा है, स्टार्टिंग में क्या है कि आपको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं विद गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आप धीरे धीरे उस सिस्टम को ऑपरेट करिए, अपने डेयरी फार्म को चलाइए, धीरे धीरे आपको बेनिफिट समझ में आएगा। बट बचाने का एक तरीका होना चाहिए, अगर आप बचाएंगे तो बचेगा, मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगा आपको किसान भाई। तो आप 5 जानवरों से, 5 जानवरों से अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, और डेयरी फार्म में ही आपका कुछ चारा बोने के लिए जगह होनी चाहिए, भूसा रखने के लिए जगह होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगा आपको। ये आप पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे मेंटेन करना है। अब रही बात ये सारी चीज़ें होने के बाद, अब हमें क्या करना है, दुधारू जानवर ही खरीदना है। दुधारू जानवर खरीदने से ये फायदा है कि आपका पैसा स्टार्ट हो जाएगा, वो दूध देगी, आप मार्केट में ले जाओगे, सेल करोगे, आपको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आप मेहनत भी करोगे, और मेहनत करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे से बंधी हुई हैं, तो आपको वहाँ पे बेनिफिट समझ में आएगा किसान भाइयों। तो बेनिफिट जब आपको समझ में आएगा तो हो सकता है आने वाले समय में आप 2 जानवर और बढ़ा के रखेंगे, और जैसे ही 2 जानवर दूध खत्म हो गया, यानी दूध उसका स्विच हो गया, बंद हो गया, अब आपको ये लग रहा है कि ये दूध नहीं देगी, अगर आप उस जानवर को अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे तो हो सकता है कि 2-3 महीने में आपको फिर से वो बच्चा देने लगेगी और फिर से आपको दूध मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे, आपको टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा। टाइम टू टाइम अपडेट होने के साथ साथ ही आप जानवरों को वही चीज़ दीजिए, वही चीज़ खिलाइए, जिससे कि आप उससे कुछ निकाल सकें। ये सारी चीज़ें हम आपको डे टू डे बताते रहेंगे अपने वीडियो में। और इस समय जो मौसम चल रहा है नॉर्मल ठंडी का, तो इस समय बरसीम चारा अपने जानवरों को जरूर दीजिए। अभी हमारे फार्म पे आप देखेंगे, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ अभी, तो आपको बरसीम चारा देखने को मिलेगा। हमारा एक वर्कर है,
उस बरसीम चारे को काट कर लाता है, मारता है और जानवरों को खिलाता है। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे साथियों। तो डेयरी फार्म ओपन करने के लिए आपको 5 जानवरों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और बेनिफिट अचानक नहीं समझ में आएगा, बेनिफिट धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। तो जैसे ही बेनिफिट आपको समझ में आए, आप और मेहनत करिए और थोड़ा इन्वेस्ट करिए और पैसा आएगा आपके पास। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, नो डाउट किसान भाइयों। तो इसी के साथ हम आपको इस वीडियो में कुछ और वीडियोस दिखाएंगे अपने जानवरों का, और अपने जहाँ पे मैंने चारा वगैरह बोया है वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और जो भी कुछ आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको आप देखिए, फॉलो करिए और मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद किसान भाइयों, जय हिंद एनिमल लवर, जय हिंद।